विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सदर प्रखंड के अंतर्गत बेलगांव ग्राम में रविवार को जीवन संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपायुक्त गुमला सुशांत गौरव ने कहा, झारखंडी संस्कृति में पेड़ को बचाना एवं उसे सम्मान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा आग्रह है कि मातृ दिवस, पितृ दिवस, जन्म दिवस की तरह पर्यावरण दिवस भी प्रत्येक वर्ष हम मनाएं, एक पेड़ लगाएं। वही राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में डीसी सहित अन्य अतिथियों द्वारा पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में भारतीय लोक कल्याण की टीम द्वारा पेड़ बचाने को लेकर जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। तत्पश्चात बेलगांव में ही मनरेगा पार्क का उद्घाटन उपायुक्त ने किया। इसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन अंतर्गत बॉयलर पोल्ट्री फॉर्म का भी उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात बेलगांव ननकीदह के टनी टुक्कू एवं पुलिस लाइन चंदाली गुमला में भी वृक्षारोपण किया गया। पूर्ण बात, अगर इससे सब आदमी अपनी अपनी एक एक पेड़ के लिए जिम्मेवारी निभा ले तो मुझे लगता है कि ये पेड़ 100% टिक भी जाएगा। हम लोग कहते हैं 0% मोर्टैलिटी हो जाएगा। और इसके अलावा कि अगर इसकी महत्ता को एक साल में इन्होंने महसूस किया और अगले साल खुद लगाना शुरू कर दिए तो हमें लगता है कि हमारा जो प्रयास रहेगा, इस जिला प्रशासन का कंप्लीट प्रयास रहेगा, वो सफल अपने आप हो जाएगा। और आगे की जनरेशन की कितनी सुविधाओं का ख्याल खुद बखुद हो जाएगा, शायद वो जान नहीं सकेंगे लेकिन वो अपने आप हो जाएगा। पूरे दिवस का जो थीम है वो जीवन संकल्प दिवस, वो इसलिए है कि आज एक संकल्प हम लोग ले रहे हैं, जीवन का आधार हम लोग उसको बना रहे हैं। ना सिर्फ पेड़ को एक जीवन दे रहे हैं बल्कि पूरा उस गांव को एक नया जीवन दे रहे हैं जो और ये संकल्प इसलिए है कि ये जो संकल्प हम लोग ले रहे हैं इससे जो एक अपना एक प्रॉमिस कर रहे हैं अपने आप से, अपने लिए एक आधार बना रहे हैं, ये भविष्य में भी लोग को भी एक प्रेरित करेगा उसके लिए। और उसी के पूरे थीम पर जो हम लोग आज ये दिवस मना रहे हैं और आशा करते हैं कि लोग इसकी महत्ता को समझेंगे और ये सफल रहेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।